हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी सीरीज, हमारी कंटिन्यू चल रही है पार्टनरशिप की। तो इस वीडियो में हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करना है गुडविल को फाइंड आउट करने से रिलेटेड। तो ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों की कैपिटल लगी हुई है 3 लाख और 2 लाख। 2019 और 20 जो ईयर इनका एंड हुआ है, इस ईयर में इनके प्रॉफिट हुए हैं 1.5 लाख रुपए। फर्म के अंदर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रही है 20%। हमको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है दो टेक्निक्स के बेस पर। पहली बात, कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड, एंड सेकंड वन इज द सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसमें हमको गिवन है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इज 2। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले हम कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग हम अपनी गुडविल को फाइंड आउट करते हैं। फर्स्टली वी आर गोइंग टू सोल्व द फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बिलो NRR, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन में हमारे पास एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए कुछ नहीं दिया हुआ, पर हमको पिछले साल का प्रॉफिट 1.5 लाख दिया है, तो हम यही मानकर चलेंगे कि हमारा एवरेज प्रॉफिट यही है। तो यहां पे क्या करो, 1.5 लाख फिट कर देते हैं इनटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। ठीक है, 20 हमने यहां लिख दिया, तो अपने को क्या करना है, ये आ गया 7.5 लाख, 7,50,000 रुपीज। अब क्वेश्चन में ये देखते हैं कि हमारे पास फर्म ने गुडविल कितनी इन्वेस्ट की हुई है। दोनों पार्टनर्स की अगर कैपिटल को टोटल करें तो हमको गुडविल दिख रही है 5 लाख। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल जो रियलिटी में लगी हुई है वो है 5 लाख, क्योंकि इन दोनों की कैपिटल को अगर हम टोटल करें तो दोनों की कैपिटल टोटल हो गई 5 लाख। ठीक है, अब ध्यान से देखो, रियलिटी में कैपिटल लगी हुई है 5 लाख, पर हमारा जो 1.5 लाख प्रॉफिट हुआ, इस 1.5 लाख के प्रॉफिट को कमाने के लिए कैपिटल रियलिटी में चाहिए कितनी थी, 7.5 लाख। 7.5 लाख चाहिए थी, मतलब डिजायर्ड कैपिटल 7.5 लाख है, पर रियलिटी में लगी कितनी है, 5 लाख। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को हम कहेंगे फर्म की गुडविल। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब 7.5 लाख में से आप 5 लाख माइनस कर दीजिए 2.5 लाख। 2.5 लाख हमारी ये फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग क्या आ गई, गुडविल की कैलकुलेशन हमारी हो गई। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड, दैट इज द सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर हमारा फॉर्मूला क्या होता है गुडविल फाइंड आउट करने का, पहले हम वो लिख लेते हैं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सुपर प्रॉफिट है या नहीं है, अगर है तो पुट कर दो, सुपर प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में नहीं है तो हमको सबसे पहला जो स्टेप है सुपर प्रॉफिट को ही फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में देखते हैं सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा। सुपर प्रॉफिट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट कह लो या एक्चुअल प्रॉफिट कह लो इसको, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट तुमको गिवन है क्या, 1.5 लाख आप लेके चलो, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट भी यही, और इसी को हम क्या बोलेंगे, एवरेज प्रॉफिट। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कह लो इसको या एक्चुअल प्रॉफिट कह लो, इसमें से क्या माइनस करना है, नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, इन दोनों की टोटल कैपिटल कितनी है, 5 लाख। हमने बिजनेस में 5 लाख की कैपिटल लगाई हुई है, हम कितना परसेंट कमा सकते थे, 20%। 20% के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1 लाख हम कमा सकते थे। हमने 5 लाख की कैपिटल लगाई, 5 लाख का अगर हम 20% करें तो 5 लाख जो हमने पैसा बिजनेस में लगाया है उसके ऊपर प्रॉफिट कितना कमा सकते थे, सिर्फ 1 लाख। पर रियलिटी में हमने कमाया कितना है, 1.5 लाख फालतू कमाया है, क्योंकि जितनी मैंने कैपिटल लगाई थी 5 लाख, उसके ऊपर मेरी अर्निंग कैपेसिटी कितनी थी, 20%, 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाने की। पर रियलिटी में बिजनेस ने प्रॉफिट कितना कमाया है, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख आपने कमाया है, रियलिटी में कमाना चाहिए था 1 लाख। तो आपका जो डिफरेंस है
उसको हम बोलेंगे 50,000 का सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब ही क्या होता है, क्या होता है, रियलिटी का जो प्रॉफिट आया है उसमें से आप नॉर्मल वाला प्रॉफिट लेस कर दो तो जो डिफरेंस है 50,000 वो होगा सुपर प्रॉफिट। क्योंकि हम एक्सपेक्ट क्या करके चल रहे थे, 1 लाख का प्रॉफिट, हो कितना गया 1.5 लाख एक्स्ट्रा हो गया। जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपने कमाया उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आप यहां फिट कर दो, 50,000 नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस हमको दिया हुआ है 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 1 लाख, दैट इज द गुडविल। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी, ये हमारा फर्स्ट मेथड, ये हमारा सेकंड मेथड। दोनों मेथड्स के अंदर अगर हम बेसिक टारगेट को पहले लिख लेते हैं, जैसे कि सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर मैंने गुडविल का फॉर्मूला लिख लिया, क्वेश्चन में क्या नहीं था हमारे पास, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लिख लिया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या नहीं था हमारे पास, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं था, नॉर्मल प्रॉफिट मैंने यहाँ निकाल कर देख लिया, फिट कर दिया, डिफरेंस चेक किया तो सुपर प्रॉफिट क्या आ गया 50,000। यहां पर फिट करो, गुडविल का काउंटअप हमारा आ जाएगा।